वेलकम टू ग्लैड लर्निंग। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि मतलब सारी मोटिवेशनल प्रोसेस जो कि मैंने आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था। ओके, सो आज का वीडियो है डू और डोंट पे, कि हम अपने जीवन में मतलब ये खास करके उन स्टूडेंट का है जो मतलब 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या देने मतलब दे आर गोइंग टू अपीयर इन 2023। सो या 2023 में अपीयर होने वाले होंगे या तो 10th में जो अपीयर हो गए होंगे इस साल उनके लिए है ज़्यादातर। क्योंकि देखिए हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या है। बाकी अगर सही गाइडेंस मिले तो 10th 12th के बाद भी हम सही स्ट्रीम चुन के और हम अपना कैरियर बड़े आराम से बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन, और क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है और मुझे पता है कि अगर सही समय पे सही गाइडेंस दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे 10th 12th के बाद अब मेनली स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट 10th के बाद ही पढ़ने बाहर चले जाते हैं, कुछ 12th के बाद जाते हैं। पर मेरी रिकमेंडेशन है अगर आपको जाना ही है तो 10th के बाद ही चले जाइए। 10th के बाद बेसिकली स्ट्रीम लेने के लिए लोग साइंस में लाइक मैथ्स लेते हैं, कॉमर्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे। अब उनके इंटरेस्ट के ऊपर है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी के बीच में नहीं आना, मतलब किसी का सुनना नहीं है। सुनना इन द सेंस मतलब नहीं कि डायरेक्ट मुंह पे बोल देना, सुनना इन द सेंस का मतलब है कि आपको पहले तो अपने फादर मदर से खुल के बात करनी है कि देखिए हमें मुझे ये स्ट्रीम, क्योंकि देखो 10th के बाद इतनी मेच्योरिटी तो आ जाती है कि अपने आप फादर मदर से बात कर सकते हैं। तो आप बात करिए उनसे कहिए कि मुझे साइंस स्ट्रीम में और साइंस स्ट्रीम में जाना है। और देखिए किसी को समझाने से पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए। 10th का रिजल्ट आते ही देखिए ये इंडिया है, यहाँ हर चीज़ रिजल्ट से होता है। तो 10th में अगर आपका अच्छा परसेंटेज आ गया तो आप कुछ भी करेंगे, आपके माता पिता आपका साथ देंगे। तो आज क्योंकि आप देख रहे हैं आज के समय में परसेंटेज की बड़ी वैल्यू है, हालांकि मैं नहीं मानता कि वो बहुत बड़ी क्राइटेरिया है। क्योंकि परसेंटेज देखो मैं भी एक अच्छे ग्रेड में से पास हुआ था, लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ जब जी मुझे पता चला कि वहाँ जो जितनी मेहनत करता है कैंपस प्लेसमेंट उसी का होता है। तो प्लेसमेंट के दौरान जो आपकी स्किल्स जो आपने 4 साल में डेवलप की है वही आपकी मायने रखती है। तो 10th के बाद आप जो भी तीनों में से जो भी स्ट्रीम आप चुनना चाहते हैं, अगर आपका पैशन है उसमें तो आप जाइए, आपका वेलकम है। आप साइंस लेते, आप कॉमर्स लेते हैं, आप बायो लेते हैं, आप मैथ्स लेते हैं, कुछ भी लीजिए वो आपके लिए अच्छा होगा 100%। कॉमर्स वाला भी CA बन रहा है, बायो वाला डॉक्टर बन रहा है, और मैथ्स वाला तो जान ही रहे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, हर लाख लगभग 4 से 5 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं, उन्हें जॉब भी मिल रही है, जिसमें 60% तो बेरोजगार होते हैं। और डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि एक इंडिया में जो सबसे अच्छी मतलब एक जिसको बोल सकते हैं जिसको एक परफेक्ट फैमिली जिसको बोलते हैं, एक परफेक्ट सैलरी ग्रुप जिस ग्रुप में आते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। तो डॉक्टर भी अच्छा है। कॉमर्स में आप जान ही रहे हैं आपको फाइनेंशियल किसी भी, आपको दुकान खोलनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको एक CA चाहिए ही चाहिए। ओके या सो मैं कह रहा था कि जैसे हम कहाँ थे, हम कॉमर्स स्ट्रीम में थे। तो जैसे कोई भी स्ट्रीम आप चुनेंगे आपको सफलता मिलेगी अगर आपने 3 साल रगड़ के मेहनत की होगी तो। और देखिए डिस्ट्रैक्शन कॉलेज मतलब 10th के बाद ही जब इंसान मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी आती है तो डिस्ट्रैक्शन भी साथ साथ में ही आता है। तो आप कितने भी अच्छे हो, मैं कहता हूँ कितने भी अच्छे आप संस्कार हों आपके कुछ भी हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है तो आपको फोकस, मतलब आपको फोकस रखना पड़ेगा। आपको अपने गार्जियन की मेहनत याद करनी पड़ेगी कि उन्होंने कितनी मेहनत से हमें भेजा है, कितनी मेहनत से हमें भेजा है, वो औचित्य दिमाग में रखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है गार्जियन ने हमें भेजा। मेरी बात ले लीजिए, हम लोग कितनी मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण देखिए मिडिल क्लास फैमिली का टैग बड़ी अच्छा टैग है, मैं उसको बड़ा बेहतरीन एक क्या बोल सकते हैं कि मतलब एक वरदान है एक तरीके से। क्यों वरदान है? क्योंकि आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली का बंदा मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसको कुछ परोसा मतलब इसको स्पून फीडिंग बोलते हैं, स्पून फीडिंग नहीं होती है। तो अच्छा बात है, मेरे दिमाग में था कि मेरे फादर मदर जितना कमाते हैं मुझे उतने में एडजस्ट करना है, मुझे उतना ही काम करके आगे बढ़ना है। तो हम उसके हिसाब से अपना खर्चा करते थे अपने, और मेरे हिसाब से मैंने कभी 4 ईयर में या आफ्टर 10th कभी वेस्टेज नहीं किया, कि एक भी रुपए का वेस्टेज नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा मेरे फादर मदर की एक फ़ोटो रहती थी कि यार कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अगर मैंने एक भी रुपए वेस्ट कर दिया तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप भी ऐसा करिए, आप भी जीवन में एक एम बनाइए, 10th के बाद जो भी स्ट्रीम ले लिए आपका मन, अगर इंजीनियर बनने का है तो देखिए मैथ्स लेने के बाद स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन होती है, आप कुछ भी बन सकते हैं XYZ। एंड बायो लेने के बाद भी मतलब एक डॉक्टर का ऑप्शन रहता है, उसमें भी कई फील्ड है कि आप डॉक्टर नहीं बनना है, आपके पास मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी कुछ भी A to Z, पैसा बहुत है। देख ब्रो पैसा बहुत आएगा, आप कोई भी स्ट्रीम चुनिए, अगर आप मेहनती हैं आपके पास स्किल है
तो स्किल आपको पैसा देगी। तो आपने एक इस सेशन से अब तक जो चार मिनट का जो भी सेशन हुआ, इससे एक चीज़ समझ में आई हमें कि हमारे पास सबसे पहली जो सबसे चीज़ रहनी चाहिए जो हमें सक्सेसफुल बना सकती है, वो है स्किल। तो एक कोई भी स्किल डेवलप करिए, मेहनत करिए। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ग्रेजुएशन ही करिए, आप देखिए ITI, पॉलिटेक्निक या देर सारी कॉमर्स स्ट्रीम में, इवन आर्मी की तैयारी भी आप कर सकते हैं टेंथ के बाद, कुछ भी करिए। मैं कहता हूँ खाली मत बैठिए, खाली बैठना सबसे बड़ा जीवन का श्राप है एक बंदे के लिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप खाली बैठेंगे, आपके दिमाग में 100 बातें आएंगी, आप फालतू फालतू दोस्तों के साथ घूमेंगे रोडों पे, आप उनके साथ जो खुद नहीं कर सकते वो आपको गाइडेंस देंगे। और सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की यही है कि हमें गाइडेंस देने वाला वो बंदा है जो खुद नहीं कुछ कर सकता, जिसने जीवन में खुद नहीं कुछ हासिल किया, वो आपको क्या सिखाएगा। तो पहली बात तो, और एक बात और है, जीवन में सबसे अगर सक्सेसफुल होना है तो अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, अच्छे लोगों के साथ रहे। शुरू में आपको शायद अच्छा ना लगे उनको साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए एक किक नहीं मिलती है अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, उन्हें अपनी औकात मालूम चलती है। और हर बंदे को नहीं, औकात टर्म बड़ा ही डिफ़िकल्ट टर्म है, किसी को बोल दो लड़ाई हो जाती है, पर हर बंदे को ना अपनी औकात मालूम रहनी चाहिए कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ओके, और अपनी औकात आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, औकात देखिए बाई बर्थ नहीं होती, यहाँ बिल्ड की जाती है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी अर्निंग करेंगे, जितना पैसा आपके पास होगा और जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, उसके हिसाब से आपकी औकात बढ़ती जाएगी। ओके, तो टेंथ के लोगों के लिए देखिए यही मोटिवेशन है, सिंपल, यही आपका पीक टाइम है। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो एक मेरे उनका नाम है, मेरे ख्याल से 19 ईयर्स के हैं वो, अभी उनका मतलब नाम नहीं लूँगा क्योंकि गाइडलाइंस पे अलाउड नहीं है, तो अच्छा ले लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो उमर कुरैशी नाम का एक बंदा है, आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, वो बंदा मात्र 19 साल का है और वो लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपये पर मंथ कमाता है, और उसके पास कोई एजुकेशन नहीं, वो ड्रॉप आउट भी कर चुका है, इवन 12th ड्रॉप आउट है, तो इसका मतलब वो हाई स्कूल पास है केवल। तो हाई स्कूल पास बंदे ने एक स्किल चुनी जिसको नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। तो वो एक छोटी सी स्किल सुन के अगर 2 से 3 लाख रुपए, और कितना देखिए स्किल चुनने के बाद आपको इस स्किल पे वर्क करना पड़ेगा, तो आज 19 साल 20 साल के लगे ब्लॉगिंग यूट्यूब और एफिलिएट मार्केटिंग करके बिना इंजीनियर डॉक्टर CA बने वो इतना पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे देखिए एक ट्रेडमार्क, आप देखिए डॉक्टर इंजीनियर ट्रेडमार्क आप बन गए, पैसा नहीं कमा रहे तो आपकी डिग्री का मतलब क्या है। तो बनिए वो जो आपका मन हो, अगर आपका मन व्लॉगिंग में है, कुछ भी है, यूट्यूब का वीडियो बनाने में है, आपको लोगों को पढ़ाने में मजा आता है, कैमरा लीजिए शुरू हो जाइए पढ़ाना, पैसा यूट्यूब खुद ही बहुत देता है। तो जो भी आप करिए, टेंथ के बच्चों से है कि अपना ध्येय रखिए, दिमाग में रखिए चीज़ें और आगे बढ़ते जाइए। करियर गाइडेंस के लिए मैं हूँ, कोशिश करूँगा कि हर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियोस देता रहूँ मेरे चैनल पे। देखिए सिंपल है, जो मैंने सीखा है मैंने फिर बोल रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर चीज़ें ना शास्त्रों से दूँगा आपको और डेली लाइफ से दूँगा, जिससे आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मैंने भी वही किया है तो आपको भी वही चीज़ें मैं दूँगा। ओके, सो देखिए कैरियर स्ट्रीट चुनिए, कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई 10th 12th के बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन बीटेक, क्योंकि मैंने बीटेक किया है तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा, तो 10th 12th बीटेक के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो कैरियर गाइडेंस लेके, मुझे कौन सा स्ट्रीम चुनना है, मुझे कौन सा कॉलेज चुनना है, प्राइवेट है, अगर उसकी रैंक नहीं आई, उसने अभी क्या है JEE मेंस और JEE एडवांस तो कंबाइन कर दिया इन्होंने, उसमें रैंक नहीं आई या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ, या क्या मुझे करना है, अगर आपको सवाल है तो आप मुझसे बेधड़क वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं आपको खुल के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा। और मैं अपने लिंक के लिए मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं कैरियर गाइडेंस से लेकर, मैं पूरी मदद आपकी करने की कोशिश करूंगा। सो आप देखिए आपको क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। अब मेहनत कैसे होगी, जब ये कि आप दिमाग में चीज़ें बैठा लेंगे कि मुझे कुछ बनना है। देखो जीवन में आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे 10 लाख का ये मिल जाए 10 लाख। भाई कैसे मिलेगा अगर आप मैं स्किल नहीं डेवलप करूँगे। आपको पता है ये 2022 चल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कंपटीशन मिल रहा है हर चीज़ में। इवन लोग कहते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बैंक की प्रिपरेशन में IAS की प्रिपरेशन में कॉम्पिटिशन है। नहीं ब्रो, हर जगह कॉम्पिटिशन है, आप कहीं भी चले जाओ, आप सब्जी की दुकान पर जाते हो वहाँ भी आपको कॉम्पिटिशन मिलता है। क्यों नहीं मिलता कॉम्पिटिशन आप बताइए हमें। आप सब्जी की दुकान पर जाते हो वहाँ आप देखिए, आपको लगता है ना कि, और जानते हैं आप वहाँ लड़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपको समय बचाना होता है। वहाँ समोसा खाने के लिए आप 10 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में, सब्जी लेने के लिए आप समय बचाएंगे वहाँ। आप देखिए मानसिकता हमारी, देखिए हमारा ह्यूमन नेचर देखिए, हमें जो चीज़ पैसा देगी उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें टाइम देते नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाती है उसके लिए हम एक एक दो दो घंटे अपना बर्बाद करते हैं। जैसे मोबाइल, आजकल मोबाइल कितना बड़ा है, बच्चे 2-2 घंटे गेम खेल रहे हैं,
दो दो घंटे स्पेस इम्पैक्ट क्या क्या, मैं तो कभी गेम खेला नहीं मैंने, लेकिन आप देखिए दुनिया भर के कॉल ऑफ ड्यूटी क्या क्या लोग PS4 PS5 अमेजॉन से खरीदते जा रहे हैं, बिक जा रहा है, इसका मतलब लोगों का मोटिवेशन देखिए आप बच्चों की क्या हालत हो रही है आजकल। तो आप ऐसे मत बनिए, ओके, फोकस करिए। एक बार अपने लाइफ में जब आप अचीव कर लेंगे ना ब्रो, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। आप खुल के आप देखिए लोगों की लाइफ स्टाइल, बैंगलोर में लोग प्लॉट ले रहे हैं, 19 साल 20 साल के 22 साल के बच्चे के आईफोन 13 प्रो ले रहे हैं, ये सब लग्जरी ही है ना। तो देखिए शुरू में, लेकिन ये सोच के मत कोई काम करिएगा कि मुझे ये तक खरीदना है, पहले एक स्किल के लिए आप कुछ भी करिए, स्किल के लिए करिए कि मुझे करना है, और तब आपको नींद भी नहीं आएगी आपको प्रॉपर। जैसे मैं अब मैंने बोला आपसे वादा किया तो अल्टरनेट दिन देखेगा वीडियोस में डालूंगा, कोशिश करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो अलग बात है, नहीं तो कोशिश करूंगा हर अल्टरनेट पे वीडियोस डालूं, ओके। तो देखिए 10th 12th के बच्चे, 12th में देखिए पीक है, 10th के बारे में हमने बात कर ली, 12th का पीक है बहुत। 12th के पीक के बाद देखिए आपके पास ऑप्शंस, अब क्योंकि आपके अब आपको ग्रेजुएशन चुनना है, आपको स्ट्रीम चुननी है, क्योंकि आपके पास या तो आप कोटा जाएंगे 2 साल की प्रिपरेशन के लिए, जिसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, आप कोटा जाएंगे, वहाँ जाएंगे आप 2 साल तैयारी करेंगे तब एग्जाम में बैठेंगे, तो क्यों नहीं 10th के बाद ही बैठ जाएंगे। तो 12th के बच्चों से मैं कहूँगा चलिए ठीक है, आपका समय तो 2 साल चला गया, लेकिन अब आपको फोकस करके 1 साल, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग मत करिए, अगर आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपके फादर उतने, आपके फादर मदर उतने स्टेबल हैं, तो बिल्कुल कोचिंग लीजिए, तैयारी करिए फोकस से, माता पिता को अपने पर्स में एक फ़ोटो लगा लीजिए, उनको देख देख के आपको खुद ही मोटिवेशन आएगा, हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ भगवान से पहले आपको माता पिता की फोटो अपने पर्स में डालनी होगी और देखना पड़ेगा आपको, तब जाके एक दिमाग काम करता है चलिए ठीक है ये मेरे ज़िंदगी का एम है, पहले मैं इसको पूरा करूँगा, बाद में लड़कों के साथ घूमूंगा गाड़ी पे, ठीक है। आप ग्रो करके तो देखिए, आप देखिए कैसे लोग आपके पीछे पीछे घूमते हैं, ओके। तो 12th के बच्चों के लिए वही है, आप कोई भी स्ट्रीम चुन लीजिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, नीट वेट जो भी चुनना है आपको, आपको टेट करना है, जो भी करना है, आपको बैंक की तैयारी करनी, जो भी करना लग जाओ ब्रो, समय नहीं है, समय बहुत तेज़ी से भागता है, मैंने देख लिया है, टाइम इतना देरी से वेस्ट होता है, मैंने भी जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं कैरियर ग्रोथ को लेकर, कैरियर गाइडेंस क्योंकि प्रॉपर था नहीं उस समय, और मैं अपने समय में मतलब उस समय यहाँ का पहला ही बंदा था जो बाहर जा रहा था पढ़ने, तो मतलब आप ये 2022 में ना ये कैरियर गाइडेंस लेना बड़ा आसान है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो कैरियर गाइडेंस देते हैं, तो मैं तो देता रहूँगा आपको फ्री में, आप टेंशन मत लीजिएगा, और ठीक है। और जो खास करके ना एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ तब वीडियो ऐड करूँगा, कि अगर यूट्यूब आप करना चाहते हैं, यूट्यूब में आपका कैरियर, आपका इंटरेस्ट है वीडियोज़ बनाने में, आपको कोई स्किल आती है, जैसे आपको मोटिवेशन देना आता है, आपको कुछ पढ़ाना आता है, मैथ साइंस फिजिक्स कुछ भी आपको आती है, आप वीडियोज़ बना के उसमें भी दीजिए बच्चों को, पहले देखिए आप क्वालिटी देंगे और चीज़ें ऑटोमेटिक यूट्यूब आपको देगा, तो पहले आप क्वालिटी देंगे। तो जैसे मैंने अभी नया ट्राइपॉड लिया है, अभी मैंने एक माइक लिया, आप देख रहे हैं बोआ का माइक है, तो अगर आप भी को ये सब खरीदना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, जय हिंद।